जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली द्वारा पटियाला कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालतों में हजारों चालान और 2500 के आसपास दूसरे केस लगे हुए हैं। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की सचिव हेली फुर कौर ने बताया कि दिल्ली में लोक अदालतें लग रही हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर और दूसरी सोसाइटी के लोगों को बैठाया गया है। मकसद है कि अदालतों के केसों को कम किया जाए। लोक अदालत ये जो है, इसका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो है, जिसके तहत हमारी बॉडी DLSA, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, और राज्य और राष्ट्रीय लेवल पे जो बॉडीज हैं, इनके लिए एक मैंडेट है कि लोक अदालत हर 3 महीने में हमें लगानी ही है, नेशनल लोक अदालत। आज राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में लगी हुई है, हर कोर्ट में। इसका मकसद ये है कि कोर्ट के अलावा जो और एक वेन्यू है कि जहाँ पे लोग अपना मसले को, मामले को, केस को सुलझा सकते हैं एक लोक अदालत जज के ज़रिए से, मतलब कि वो कोर्ट जैसा होता है लेकिन कोर्ट नहीं होती है, तो लोगों की अदालत है ये। तो क्या लगता है कि कितने केस जो है आज सोल्व होंगे, अगर पटियाला कोर्ट की बात करें? पटियाला हाउस कोर्ट में 2000 से ज़्यादा केस रेफर हुए हैं कोर्ट्स की तरफ से। इसके अलावा बहुत सारे केस जो हैं वो प्री लिटिगेशन भी है, मतलब कि जो अभी केस नहीं बने हैं लेकिन बैंक्स या कंपनीज ने उनको यहाँ लगवाया है ताकि वो केस ना बने और पहले ही सुलझ जाएं। इसके अलावा चलान भी हैं, जो 15,000 चलान, जो ट्रैफिक चलान है, वो भी यहाँ लिए जाएंगे, और हमारी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा केस यहाँ पे आज निपटारा होगा उनका। मैडम, अगर बात करें कोई ऐसा केस जो अपने आप में मिसाल कायम है? बहुत सारे ओल्ड मैटर्स भी लगे हुए हैं आज क्रिमिनल कोर्ट्स, जिनमें कंपाउंडेबल केसेस होते हैं, वो पुराने केस भी लगे हुए हैं आज। मैं इसी मौके पे आपको बताना चाहूँगी कि कैसे केस लोक अदालत में लग सकते हैं। सिविल केस जो होते हैं, दीवानी केस, फौजदारी केस जिनकी सेटलमेंट हो सकती है कंपाउंडेबल, वो केस, या जिसमें एज पर लॉ क्रिमिनल केसेस जो सेटल हो सकते हैं वो, मोटर एक्सीडेंट जो क्लेम के केसेस हैं वो भी लोक अदालत में लगते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया प्री लिटिगेशन के भी लगते हैं जिसमें अभी केस नहीं बना है, और ट्रैफिक चलान, ये सब केसेस आज लोक अदालत में लगे हैं। क्या जो अदालतों में ज़्यादा केस हैं इसकी वजह से ऐसी लोक अदालतें लगाई जाती हैं कि जिससे कि केस कम हो? देखिए, ये अकेला कारण नहीं है, इसका फ़ायदा ये ज़रूर है कि कोर्ट्स का बर्डन कम होगा, लोगों की सुविधा होगी, लेकिन इसका मेन जो मकसद है वो ये है कि लोगों के विश्वास से जो है, लोगों की सुन के दोनों साइड को इस तरीके से उनको विश्वास लगे आए कि उनकी समझौता करवाया जा रहा है, उनकी सुन के एक लोगों का जो जज है उनके लिए वो उनकी सुन के उनकी समझौता करवा रहा है, ना कि एक ऑर्डर पास कर रहा है केवल। इसका DLSA में क्या रोल होता है? DLSA का ही ये मेन जो है रोल है इसमें, क्योंकि लोक अदालत DLSA ही लगवाती है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।